हैं गंगा सवेरा। चलिए अब यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर सियासी बयार कैसी बह रही है, लोग सोच क्या रहे हैं, चर्चा तो करते होंगे जब इकट्ठे होते होंगे कि आखिरकार मुद्दे क्या हैं। ये समझने के लिए, जानने के लिए हम आपको लिए चलेंगे और बताएंगे कि क्या चल रहा है। बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों को अमरोहा का हाल बताएंगे क्योंकि हमारे संवाददाता अफसर अली वहां पर मौजूद हैं, जो सीधे आम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। इसके चुनाव को लेकर जनता के बीच क्या चल रहा है, मैं हूँ धनोदा तहसील की उद्योग की नगरी गजरोला में। जान लेते हैं, कुछ लोग चाय पर की दुकान पर बैठे हैं और तरह तरह की बातें चल रही हैं। जान लेते हैं क्या चल रहा है भैया 2022 के चुनाव को लेकर। 2022 के चुनाव बीजेपी के खिलाफ तो बहुत अच्छा चल रहा है। बीजेपी जो पार्टी है उसने अभी तक बहुत काम किए हैं, हमारे विधायक जी उन्होंने भी काफ़ी सारे काम किए हैं। जो गंगाधाम तिगरी में लगने वाला मेला उसको ऐतिहासिक मेला, सरकारी मेला बनवाया गया है। और एक हमारे यहाँ से झारखंडी चाकेश्वर महादेव की रोड जो अभी तक किसी ने नहीं बनवाई, विधायक जी ने उस पर भी काम किया, उस रोड को भी पक्का बनवाया गया है। और आने वाले टाइम में भी बीजेपी की गवर्नमेंट ही आनी है। क्या कहेंगे भैया, 2022 का चुनाव नज़दीक है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, आज आप जिस जनपद के और जिस शहर के अंदर हैं, वो गजरोला अगर उसकी पहचान विश्व स्तर पर है तो समाजवादी पार्टी की देन है। बुनियादी कामों पर अगर मैं चर्चा करूं तो हमारे भाजपा के समर्थक साथी भी जवाब नहीं दे पाएंगे। गजरोला को सरकारी डिग्री कॉलेज अगर कभी मिला तो समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला। गजरोला किसी दौर में गांव हुआ करता था, गांव से टाउन बनवाया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनवाया, और टाउन से नगर पालिका बनवाया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया। औद्योगिक क्षेत्र जिसकी पहचान पूरे देश विश्व स्तर पर है, वो समाजवादी पार्टी की देन है। मौजूदा हुकूमत में क्या मिला, हमारी आज़ादी के एक नया वर्ष मिला कि हिंदुस्तान 2014 में आज़ाद हुआ। भैया 2022 का चुनाव नज़दीक है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? वायु प्रदूषण यहाँ का मुख्य मुद्दा कहलाता, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे बड़ी बात तो महंगाई को लेकर जो है कि पब्लिक बहुत दुखी है, क्योंकि महंगाई जो है इतनी हो गई इस सरकार में। रही बात धनौरा विधानसभा की, आने वाला टाइम समझे किसी पार्टी का भी हो, बीजेपी का नहीं है। भैया क्या लगता है, 2022 का भी चुनाव है और ऐसे में आपके धनौरा विधानसभा के जो विधायक हैं वो भी युवा हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं? भैया उम्मीदें पूरी हैं, यहाँ से तराला जी कोई टिकट होने वाला है और तराला जी यहाँ से विजयी होंगे। तराला जी ने जितने काम यहाँ पे कर दिए हैं, इतने काम आने वाली कोई भी सरकार नहीं कर पाई, कोई भी आ जाए जाएँ प्रदेश में तो योगी जी आ रहे हैं। क्या कहेंगे भैया कानून व्यवस्था को लेकर, क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था बढ़िया चल रही है और पिछली सरकारों के मुकाबले इस समय कानून व्यवस्था बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी काम हुआ है, और क्या नाम है, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी काम हुआ है, और माननीय क्षेत्रीय विधायक राजीव तरारे जी ने शीशों वाली ढाकों वाली मार्ग भी बनवाया है। उनके यदि ऐसा लग रहा है विपक्ष को, तो उन्होंने पिछली सरकारों में शीशों वाली पार्क पर क्यों ध्यान नहीं दिया? क्या कहेंगे भैया, विकास हुआ है धनौरा में? नहीं, विकास तो नहीं हुआ, विकास के नाम पर तो लूटपाट हुई है और ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ, आप किसी भी स्तर से देखा जा सकता है। किसकी उम्मीद लग रही है 2022? आपका जो है गठबंधन की सरकार आ सकती है, लोकदल समाजवादी की। क्या कहेंगे 2022 का चुनाव नज़दीक है? बीजेपी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी, 350+। समाजवादी की गुंडागर्दी खत्म हो गई है, इस मारे वो ढोंग करते फिर रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ औद्योगिक नगरी गजरोला की जनता, जिनका जो है तरह तरह के जो है चुनावी चर्चा चल रही है, और 2022 को लेकर आज जो जनता बैठी है गजरोला की चाय की दुकान पर, उन्होंने अपने तरह तरह के विचार रखे हैं। अफसर अली, एबीपी गंगा, अमरोहा।